यूक्रेन में जारी जंग का 24वां दिन, कीव पर जारी है रूस के हवाई हमले। राजधानी में दाखिल होने की कोशिशों में रूसी सेना, भीषण बमबारी में बड़ा नुकसान। यूक्रेन रूस युद्ध के 23वें दिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन में बात। जिनपिंग बोले, युद्ध से किसी का फायदा नहीं, रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से बातचीत का किया समर्थन, रूस को दी चेतावनी। वार्ता रूस के लिए बड़े नुकसान से बचने का मौका, रूस अगर बातचीत नहीं करता तो उसकी कई पीढ़ियों को भुगतना होगा अंजाम। यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में भारत ने जताई चिंता, कहा तत्काल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की है जरूरत। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 726 आम नागरिकों की गई जान, जिसमें 52 बच्चे भी शामिल। संयुक्त राष्ट्र का बयान, यूक्रेन के 1174 लोग रूसी हमले में हुए घायल। रूस ने यूक्रेन के खेरसों से मिकोलाइव की ओर दागे आरगे कैलिबर रॉकेट, भारी तबाही की आशंका। राजधानी कीव की हिफाजत में जुटी यूक्रेन की सेना, उत्तरी कीव क्षेत्र में जवानों ने संभाला मोर्चा। यूक्रेन के मारियुपोल में हर ओर तबाही का मंजर, डिप्टी गवर्नर का दावा, रूस के हमलों से करीब 90% शहर बर्बाद हुआ। वोल्नोवाखा में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर, घर और इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी हमले से खार्किव के सबसे बड़े बाजार में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद घंटों बाद आग पर पाया काबू, आसपास की इमारतों को भी हुआ नुकसान। क्रामटोर्स्क शहर पर रूस ने किया बड़ा हमला, एक बड़ी इमारत को बनाया निशाना, रूस की क्रूज मिसाइल ने शहर के बीचों बीच बिल्डिंग को उड़ाया। यूक्रेन पर हमला करने के दौरान रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, युद्ध के मैदान में करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने। यूक्रेन के कम्युनिकेशन टावर को रूसी आर्मी ने बनाया निशाना, मिसाइल दाग कर टावर उड़ाया, रूसी सेना ने जारी किया मिसाइल हमले का वीडियो। मैक्सार ने जारी की यूक्रेन के शहरों में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें, चर्निहिव में बड़ी इमारतों को नुकसान, तो तोपों के गोले से बर्बाद हुआ शहर मारियुपोल में रूसी हमले के बाद सैकड़ों लोग लापता। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया गया कीव के पास का एक गांव, यूक्रेन की आर्मी ने जारी किया वीडियो, रूसी सेना की कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, नेशनल हाईवे पर फंसी हैं सेना की कई गाड़ियां। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने रूस में कारोबार बंद किया और यूक्रेन को $1 मिलियन की आर्थिक मदद की घोषणा की। कीव में यूक्रेन के नागरिकों ने बसंत ऋतु की शुरुआत का मनाया जश्न, शहर की सड़कों को ट्यूलिप के फूलों से सजाया गया, अस्पताल में घायलों और डरे हुए नागरिकों को अच्छे और सुरक्षित दिनों की उम्मीद में इन फूलों को देना चाहते हैं नागरिक। रूस यूक्रेन जंग के बीच कीव में लोगों ने हर मुनासिब जगह को शेल्टर होम बना लिया है, सबवे, मेट्रो स्टेशन, बस, कारें, रेलवे स्टेशन पर लोग छिपकर दिन गुजार रहे हैं, इन लोगों के पास खाने पीने का सामान अब नहीं बचा है। रूसी हमले में मारे गए मासूम बच्चों की याद में लीव शहर में स्मारक बनाया गया, यहां रखी गई 109 बच्चों की गाड़ियां। यूक्रेन का दावा, 24 फरवरी से अब तक रूसी हमले में कई बच्चों की गई जान। ABP News, आपको रखे आगे।